तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक में वीडियो लेकर के आया हूँ, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये मोबाइल फोन रिपेयरिंग के ऊपर शायद 14 या 15 वीडियो होगा। और आज की वीडियो में जो हम लोग जो सीखने वाले हैं मोबाइल फोन रिपेयरिंग के ऊपर बेसिक चेकिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। आज के टॉपिक में जो हमारा होने वाला है, आज हम लोग जो सीखने वाले हैं मोबाइल फोन में से डिस्प्ले और टच। आज दोस्तों जो मैं सिखाने वाला हूँ डिस्प्ले और टच के बारे में बताने वाला हूँ। हमारे पास जितने भी मोबाइल फोन आते हैं डिस्प्ले टच दोनों मिल के ही बनता है कॉम्बो। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है डिस्प्ले टच के ऊपर है, तो आज हम लोग डिस्प्ले टच के बारे में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ITI के स्टूडेंट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फोन है लैपटॉप है इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकल कोर्स हम लोग सिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल के बारे में आपको पूरा कंप्लीट मोबाइल फोन के बारे में सिखाते हैं। अच्छा, ये जो मैं सीरीज लेकर गया हूँ, मैं हमेशा जितने भी सारे जो हमारे स्टूडेंट हैं फ्रेशर स्टूडेंट हैं उन सभी बच्चों के लिए मैं एक सीरीज लेकर के आता रहता हूँ, ताकि मैं एक टॉपिक के ऊपर जो वीडियो में देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उस वीडियो के माध्यम से हमारे बच्चे लोग सीखे या और भी लोग हैं जो लोग ये देखना चाहते हैं कि मोबाइल फोन रिपेयरिंग को सीखने का तरीका क्या होता है या मोबाइल फोन रिपेयरिंग को सीखने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मोबाइल फोन रिपेयरिंग का सीखने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन टॉपिक के ऊपर हम लोग पूरा वीडियो देने वाले हैं। अच्छा, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मोबाइल फोन को रिपेयर करने का तरीका क्या है, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको वीडियो आपको दे रहा हूँ। आज जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये वीडियो के ऊपर जो होने वाला है मोबाइल फोन रिपेयरिंग में डिस्प्ले टच के बारे में। इससे पहले मैं मोबाइल फोन के अंदर जितने भी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, रजिस्टर है, कैपेसिटर है, कॉइल है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ट्रांसफार्मर है, क्रिस्टल, स्पीकर, रिंगर, माइक, ये जितने भी सारे पार्ट्स हैं, मैं सब चीजों के ऊपर मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ। आज हमारा जो टॉपिक के ऊपर वीडियो होने वाला है वो डिस्प्ले टच के ऊपर वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से आप ये देख करके सीख सकते हैं कि डिस्प्ले टच के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ डिस्प्ले के बारे में, फिर उसके बाद मैं आपको टच स्क्रीन के बारे में बताता हूँ। ऐसे एक एक करके मैं आपको पूरा आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले सेट में ग्राफिक देने का वर्क करती है, डिस्प्ले सेट में ग्राफिक देने का काम करती है। आपके मोबाइल फोन में जो डिस्प्ले में चित्र आते हैं वो डिस्प्ले के माध्यम से ही आते हैं, तो डिस्प्ले सेट में ग्राफिक देने का काम करती है या दो टाइप में फोन में कनेक्ट होती है या मोबाइल फोन में दो टाइप में कनेक्ट होती है। कैसे कनेक्ट होती है? दो टाइप में कनेक्ट होती है। एक तो सबसे पहली बात कनेक्ट होने का तरीका होता है जैक टाइप में। जैक टाइप का मतलब क्या होता है? जो मोबाइल फोन का डिस्प्ले पाई जाती है वो डिस्प्ले इस तरीके से जैक टाइप में होती है। कैसी होती है? जैक टाइप में होती है। ये आपका जैक लगा होता है, पहला तरीका। उसके बाद ये हमारी पिनें होती हैं। ये दूसरा तरीका होता है, ये सोल्डरिंग डिस्प्ले होती है। कौन सी डिस्प्ले होती है? सोल्डरिंग डिस्प्ले। जैक वाली डिस्प्ले होती है जितने भी तुम्हारे स्मार्टफोन पाए जाते हैं, सभी स्मार्टफोन में फिलहाल यूज होती है, जो कॉम्बो ग्रुप में यूज करी जाती है। और सोल्डिंग फोन में जितने कीपैड मोबाइल फोन आते हैं, चाइनीज कैटेगरी के फोन आते हैं, उन सभी मोबाइल फोन के अंदर तुम्हारी सोल्डिंग वाली डिस्प्ले यूज होती है। डिस्प्ले के अंदर जो है पत्ता जहाँ पर जुड़ा होता है, इस एरिए को हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले और डिस्प्ले का पत्ता जैक आपस में से ग्लास में पूरा ऐसे मेल्ट होता है, चिपका होता है। इसके बहुत सारे ट्रैक्स आते हैं जो डिस्प्ले में ऐसे चिपके होते हैं। ये डिस्प्ले का सबसे नाजुक हिस्सा होता है, अगर यहाँ पर दबाव या ब्रोकन हो जाता है, चटक जाता है, तो आपके डिस्प्ले में लाइन, डिस्प्ले ब्लैंक, व्हाइट आना, इस तरीके से बहुत सारी शिकायतें आ जाती हैं। और डिस्प्ले में ऐसी तरीके से जो सोल्डिंग वाली डिस्प्ले होती है उसमें भी यहाँ पर इसी को क्रिस्टल एरिया बोलते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले का पत्ता और डिस्प्ले आपसे ज्वाइंट होता है। अगर ये खराब हो जाता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, स्क्रीन को चेंज कर देते हैं, दूसरी डाल देते हैं। और ये खराब हो जाता है तो इसको चेंज करने के भी एक बेल्ट हमारी मशीन आती है, जिसको भी हम इजीली क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और ये जो हमारी पिनें होती हैं, ये पिनों के माध्यम से मोबाइल फोन में सोल्ड होता है। जैक जो होता है, जैक के माध्यम से मोबाइल फोन में इसकी कनेक्टिविटी होती है। तो डिस्प्ले दो तरीके से मोबाइल फोन में लगी होती है। अब डिस्प्ले में अलग अलग क्वालिटी आती है, डिस्प्ले की अलग अलग क्वालिटी में आती है। आपने तो सच क्वालिटी क्या होती है, इसमें सबसे पहली डिस्प्ले की जो क्वालिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो होती है ये पहले काफी फोनों में आती थी, अब फिलहाल मोबाइल फोन के लाइन में नहीं आती।
अब तुम्हारे जैसे डिस्प्ले में मल्टीमीटर में यूज होती है, या तुम्हारी हॉटगन मशीन में यूज होती है, या तुम्हारे डीसी पावर सप्लाई मशीन में यूज होती है। अच्छा, इसको सेवन सिगमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर सात डॉट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये सात डॉट होते हैं। इसी सात डॉट में लुप जुप करके सारे नंबर बनते हैं। जैसे दो बनना है तो आपका इसी में से ऐसे दो बन जाएगा, तीन बनना है तो इसी में आपका तीन बन जाएगा, चार बनना है तो इसी में आपका चार बन जाएगा। तो ऐसे इसके लुक जुक होकर नंबर बनते रहते हैं, इसलिए इसको सेवन सेगमेंट डिस्प्ले बोला जाता है। उसके बाद सेकेंड डिस्प्ले जो आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलसीडी। एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये जो डिस्प्ले होती है, इसके अंदर कार्बनिक लिक्विड होता है जो दबाने पर हल्का सा पिलपिलाता है, और ये डिस्प्ले अच्छी होती है, क्वालिटी भी अच्छी आती है, काफी अच्छे फोनों में यूज भी होती है। अगली डिस्प्ले आती है टीएफटी। टीएफटी का पूरा नाम होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये डिस्प्ले तुम्हारी टीएफटी जो डिस्प्ले होती है वो एलसीडी से बहुत वीक होती है। दूसरी बात क्या होता है, टीएफटी डिस्प्ले को अगर आप 45 सेंस के एंगल से अगर तिरछा करके देखेंगे तो थोड़ा सा काला काला दिखाई देने लगता है। जो कंप्यूटर में टैबलेट में यूज होती है, आपने देखा हो कंप्यूटर की स्क्रीन को, अगर आप उसको सामने से देखो तो अच्छा दिखता है, थोड़ा सा तिरछा करो तो ब्लैक ब्लैक दिखाई देने लगता है। तो इसी तरीके से जो टीएफटी डिस्प्ले होती है ब्लैक सर्कल में हो जाती है। और अगली डिस्प्ले आती है जिसको हम लोग एलईडी डिस्प्ले बोलते हैं। इसको एलईडी भी कहते हैं, इसको अमोलेड भी कहते हैं, इसको सुपर ओलेड भी कहते हैं। ये डिस्प्ले जो होती है बहुत सारे माइक्रो बल्ब से मिलकर के बनी होती है, और आपकी स्क्रीन बेहतर आती है, अच्छी आती है। ये तुम्हारे जितने भी स्क्रीन फिंगर वाले मोबाइल फोन आते हैं, जिसमें स्क्रीन फिंगर होता है, या फिलहाल ना भी स्क्रीन फिंगर हो, तब भी मोबाइल फोन के अंदर जो स्क्रीन में आगे आती है वो तुम्हारी एलईडी अमोलेड सुपर अमोलेड ही डिस्प्ले आती है। तो ये डिस्प्ले में चार अलग अलग क्वालिटी आती है, चारों क्वालिटी में से इन्हीं क्वालिटी का यूज किया जाता है। और जितने भी आजकल के मोबाइल फोन के अंदर जो पेपर डिस्प्ले आ रही है, वो सारी पेपर डिस्प्ले होती है, वो तुम्हारी एलईडी स्क्रीन आ रही है। वो कौन सी स्क्रीन आ रही है, एलईडी स्क्रीन। एलईडी स्क्रीन को ही हम लोग पेपर स्क्रीन बोलते हैं। और अच्छा, जो जितने भी तुम्हारे फोल्डिंग वाले मोबाइल फोन आ रहे हैं, उन सभी फोल्ड वाले मोबाइल फोन के अंदर तुम्हारी एलईडी अमोलेड का ही यूज किया जा रहा है। और अच्छा, जो फोल्ड वाले मोबाइल फोन आते हैं उसमें कोई स्क्रीन नहीं तुम्हारी ऐसी घूमी होती है। एक्चुअली क्या होता है, वो पेपर डिस्प्ले होती है। पेपर डिस्प्ले को अगर आप रोल बना दो, गोल गोल कर दोगे तब भी गोल हो जाएगी। उसका ग्लास ही एक्चुअली उसमें घुमा होता है, इसलिए उसमें चिपकी हुई होती है, इसलिए डिस्प्ले भी हमको घुमी हुई लगती है, कर्व डिस्प्ले लगती है। ये फोल्ड फोन होते हैं जिसमें से मुड़ जाती है। तो अब जितने भी नए मोबाइल फोन आ रहे हैं, या फीचर फोन आ रहे हैं, या और भी जितने भी स्मार्टफोन बड़े बड़े फोन आ रहे हैं, उन सभी मोबाइल फोन के अंदर अमोलेड सुपर ओलेड पेपर डिस्प्ले का ही मोस्टली हमारा यूज होता है। तो चार तरीके की डिस्प्ले आती है। अच्छा, इन डिस्प्ले में क्वालिटी के हिसाब से पैसे होते हैं। मोबाइल फोन के लाइन में देखा जाए तो पहली ये वाली डिस्प्ले नहीं आ रही आजकल के समय पर। आजकल के समय पर सबसे पहली सुपर फर्स्ट क्वालिटी की डिस्प्ले होती है, तो ये तुम्हारी एलईडी अमोलेड सुपर ओलेड होती है। ये डिस्प्ले तुम्हारी सेकेंड क्वालिटी की होती है, थर्ड क्वालिटी की होती है। अगर आप पैसे की बात करेंगे तो मैं एक आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ कि जैसे मान लिया मेरे पास एक मोबाइल फोन है, या सैमसंग का S31 मोबाइल फोन है। उस मोबाइल फोन के अंदर अगर हम सुपर ओलेड डिस्प्ले जो लगी होती है अगर उसको लगाते हैं, तो वो मार्केट में 3,000 रुपए दाम में हमको परचेजिंग पर मिलती है। अगर इसी की जगह पर हम लोग अमोलेड की जगह पर अगर हम लोग एलसीडी लगा देते हैं, तो वो समथिंग दोस्त आपको 1,000 रुपए में ही मिलती है। अगर आप इसकी जगह पर टीएफटी लगा देते हैं, तो वही स्क्रीन तुम्हारी 800, 700 या 600 रुपए के अप्रोक्स में आपको मिल जाती है। अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा रेट में कितना वेरिएशन का अंतर है। जो मोबाइल फोन अगर 20,000 का मोबाइल फोन है, अगर आपने डिस्प्ले को चेंज कर दिया, अगर अमोलेड की ओलेड की जगह नॉर्मल डिस्प्ले लगा दिया, तो वो मोबाइल फोन 20,000 का मोबाइल फोन वैसे ही तुम्हारा मतलब 12-13 हजार, 14 हजार का मोबाइल फोन, मतलब 6-7 हजार रुपए डिस्प्ले के वेरिएशन में, 4-5-7 हजार रुपए डिस्प्ले के वेरिएशन में मतलब अंतर हो जाता है। और लेकिन आज जितने भी जो तुम्हारे कर्व फोन आ रहे हैं, और कर्व फोन के अंदर अगर तुम्हारी अब वही
अमोलेड स्क्रीन या ओलेड स्क्रीन आ रही है, पेपर स्क्रीन आ रही है, अगर आप उसमें से नॉर्मल स्क्रीन लगाएंगे तो नॉर्मल स्क्रीन नहीं चलेगी, क्योंकि ये स्क्रीन जो होती है एक्चुअली ट्यूब की तरह होती है, ट्यूब जो होता है बिल्कुल सीधा होता है, ये डिस्प्ले एलईडी पेपर की तरह होती है, इसको कहीं से भी फोल्ड किया जा सकता है, तो इसलिए फोल्डिंग फोनों में फिलहाल ये यूज हो रही है, बाकी नॉर्मल फोनों में ये डिस्प्ले हमारी आ रही है। तो चार अलग अलग क्वालिटी की डिस्प्ले आती है। अब हम लोग बात करते हैं नोट, डिस्प्ले एक ऐसी चीज होती है, डिस्प्ले की कोई टेस्टिंग नहीं होती है, पहली बात ये, डिस्प्ले की कोई टेस्टिंग नहीं होती, जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सभी मोबाइल फोन में डिस्प्ले को कोई चेक करने का तरीका नहीं बना कि आप मल्टीमीटर के थ्रू चेक करके बता दो कि डिस्प्ले तुम्हारी सही है या खराब है। डिस्प्ले को क्या किया जाता है, डिस्प्ले में न्यू लगाकर देखते हैं, अगर आपके मोबाइल फोन की डिस्प्ले खराब हो जाती है तो हम लोग नई स्क्रीन लगा करके ही देखते हैं, और नया स्क्रीन लगाने के बाद अगर आ जाती है और पुरानी नहीं आ रही तो पुराने वाले को फॉल्टी कह देते हैं, खराब कह देते हैं, जबकि डिस्प्ले साफ सुथरा कई बार दिखती है फिर भी डिस्प्ले हमारी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो डिस्प्ले को न्यू लगा करके ही देखा जाता है, उसको मतलब चेंज ही किया जाता है। डिस्प्ले में ब्लैंक, वाइट, स्पॉट, लाइन आने पर खराब है, अगर डिस्प्ले तुम्हारी ब्लैंक व्हाइट हो गई है, स्पॉट आ रहे हैं, काले काले धब्बे आ रहे हैं, नीले पीले हरे धब्बे आ रहे हैं, लाइन आ रही है या डिस्प्ले, तो डिस्प्ले हमारी क्या है, खराब है। और ब्रेक होने पर, ब्रेक का मतलब होता है टूट टाट गया है, पूरा खराब हो गया, फूट गया, तो भी हमारी स्क्रीन क्या है, खराब है। खराब होने पर हम लोग क्या कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, उसको दूसरा लगा देते हैं, उसके बाद फिर हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, सॉल्व होती है। तो जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन के अंदर डिस्प्ले के केसेस में अगर देखा जाए तो डिस्प्ले सेट में ग्राफिक देने का काम करती है, दो टाइप में लगी होती है जो कनेक्ट कराने का काम करती है, एक तो पहले जैक टाइप में होती है, दूसरी हमारी फोल्डिंग टाइप में होती है। डिस्प्ले की अलग अलग क्वालिटी आती है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले जिसमें 7 डॉट्स लगे होते हैं, 7 डॉट्स से मिलकर बनी होती है, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, टीएफटी, एलईडी, अमोलेड, सुपर ओलेड, और डिस्प्ले की कोई टेस्टिंग नहीं होती है। अगर डिस्प्ले खराब हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, और डिस्प्ले को नया लगा करके ही देखा जाता है। डिस्प्ले ब्लैंक होने पर, व्हाइट आने पर, स्पॉट आने पर, खराब है हमारे डिस्प्ले को हम लोग दूसरा लगा करके चेंज करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन में अलग अलग डिस्प्ले आती हैं, और उसके बाद फिर हमारा अगला टच आता है, तो टच के बारे में फिर मैं आपको आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज की वीडियो में मैंने आपको डिस्प्ले के बारे में बताया है कि डिस्प्ले आपके मोबाइल फोन में कैसे दिखती है और डिस्प्ले को कैसे पहचाना जाता है। हमारे मोबाइल फोन के अंदर, मोबाइल फोन के अंदर अगर देखा जाए तो 100% में से 30 से 40%, 30% जो होता है वो हमारे मोबाइल फोन में स्क्रीन का रोल होता है। और आज मैं आपको बताता हूं, अगर हमारे पास 10 मोबाइल फोन आते हैं तो 10 में से 3 से 4 मोबाइल फोन जो आते हैं वो मोबाइल फोन में स्क्रीन, काम्बो, ग्लास चेंज करना, इनसे संबंधित बहुत हमारे मोबाइल फोन में प्रॉब्लम आती है। अगर मोबाइल फोन किसी का अगर अच्छा स्मार्टफोन है तो अगर वो हाथ से गिरता है, पानी में जाता है, किसी भी चीज के कारण से कुछ होता है तो सबसे पहली बात उसका यही लगता है कि हमारे मोबाइल फोन का स्क्रीन खराब हो गया, डिस्प्ले खराब हो गया, क्योंकि मोबाइल फोन काला काला हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इसलिए डिस्प्ले की प्रॉब्लम मोबाइल फोन में सबसे ज्यादा आने की होती है, और फोन के अंदर सबसे ज्यादा खराब होने का 90% केस होता है कि फोन आदमी के हाथों से गिर जाता है, आदमी के हाथों से डैमेज होता है, ब्रेक होता है, तो ये खराब होने के मोबाइल फोन के सबसे ज्यादा चांसेस है आजकल के स्मार्टफोन के टाइम पे। आजकल जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं कोई भी स्मार्टफोन में से आदमी कोई अपने मन से नहीं खराब होता, उसके हाथ से ही फोन गिरता है, क्योंकि फोन हाथ की डिवाइस है, गिरेगा, डैमेज होगा तो खराब होगा। तो आज की दूसरे वीडियो में मैंने डिस्प्ले के बारे में आपको सिखाया है, इसी तरीके से मैं आपको और भी वीडियो दूंगा, और आगे मैं आपको काम्बो के बारे में बताऊंगा, डिस्प्ले के अंदर कितने लेयर्स होती हैं उनके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि आज की वीडियो में इतना सारा कवर नहीं हो जाता, ये सारे वीडियो में छोटे छोटे टॉपिक के रूप में मैं आपको बना के देता हूं, ताकि आप सब चीजों के बारे में पूरा डिटेल से और इजीली तरीके से समझें, क्योंकि दोस्त सीखने का काम होता है, धीरे धीरे करके सीखा जाता है, कोई खाने पीने का काम नहीं कि पेट फूट फूट के भर लिया, पेट भर गया, काम करता हूँ, धीरे धीरे सीखिए। अच्छा, जो भी सारी चीजें बताता हूँ उनको अपने कॉपी में नोट करिए,
और समझिए इसी तरीके से आपके पास कोई सब चीजों पर एक्सपेरिमेंट करिए, प्रैक्टिकल करिए ताकि आप अच्छे से काम कर पाए। आगे का मैं जो वीडियो में लेकर के आने वाला हूँ, मैं आईसीयू के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर के आया हूँ कि आईसी के बारे में मैं आपको सिखाने वाला हूँ सभी बच्चों के। सब बच्चों ने बोला है कि सर थोड़ा सा आईसी के ऊपर और हमको फोकस करिए क्योंकि आजकल आईसीयू की प्रॉब्लम आ रही है, तो जितने सारे टेक्नीशियन है उनको आईसी से संबंधित मैं आपको बहुत अच्छा गाइड करूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो पर। हमारी वीडियो को आप अपने स्टोरी पे लगाइए, अपने ग्रुप में शेयर करिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। अगर हम आपको सिखाने में इतना मदद करते हैं तो आप भी हमारे वीडियो को आगे बूस्ट करिए ताकि अगर हम हमको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं तो दोस्त मैं आपको और अच्छा सिखाऊंगा और आपको जी जान लगा करके आपको और नई नई टेक्निक के बारे में आपको बताऊंगा। ये सारी वीडियो, ये सारे चैनल पे सारी ट्रेनिंग की ही वीडियो होती है। इन वीडियो के माध्यम से आप काफी कुछ सीख सकते हो और इसी तरीके से अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और ये ट्रेनिंग सेंटर कानपुर में है, कानपुर सागर मार्केट पड़ता है। यहाँ से कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन 500-700 मीटर दूर है, तो आप आराम से आकर के सीख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर हॉस्टल सुविधा भी है, रहने की सुविधा मिल जाती है, मार्केट पड़ती है तो बहुत सारा आपको प्रैक्टिकल करने को भी मिलता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।